सब तमाम उपस्थित अधिकारीगण, कुलदीप नाका जी, विधायकगण, सांसदगण, वरिष्ठ नेतागण, इस प्रोग्राम जुड़े तमाम राजस्थान के हमारे विभिन्न स्तर पर बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, सरकारी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, डॉक्टर्स और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत खुशी है कि दो दिन हमने प्रयास किया 3 वर्ष के उपलक्ष्य में बातचीत करने का। वैसे बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, क्लास भी 1 घंटे की होती हुई मैक्सिमम, ये क्लास तो 3 घंटे की हो रही है, इसलिए आपका थोड़ा अनिजी होना स्वाभाविक है। पर एक प्रकार से एजुकेशन की तरह ही प्रोग्राम हुआ है कि क्या क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वैसे तो सभी विभागों की बात करना मुश्किल है, जितने हमारे साथी बैठे तमाम लोगों ने अपने अपने नवाचार किए जिस क्षेत्र में, अपने विभाग में, पर वक्त नहीं है उसकी चर्चा हम यहाँ कर सकते थे। और फिर भी कोशिश की गई जो सरकार प्रायोरिटी देना चाहती इन कामों को, उसको दिखाने का प्रयास किया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी जो प्रोग्राम है जो DPI के माध्यम से लिटरेचर निकलते रहते हैं, कल मैं गया प्रदर्शनी के अंदर, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। अगर आप प्रदर्शनी में घूम लेंगे आप पाएंगे हर विभाग में कितना उत्साह था उनके अंदर, देखते ही बनता था। और सबने अच्छे काम किए और उनको दिखाने की लालसा भी थी। तो मुझे गर्व है कि 3 साल में कोरोना काल के बावजूद भी जो काम हुए हैं वो बेमिसाल हुए हैं। बजट पेश हुए हैं, उम्मीद नहीं थी विपक्ष को भी नहीं थी और पक्ष को भी नहीं थी। अगर पक्ष को भी नहीं थी तब भी इतना था ना बजट पेश हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई होगी, किस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किया गया होगा। आगे भी मुझे लगता है कि अगला बजट भी है वो शानदार ही आएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। कहने को बहुत सारी बातें, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं 10-12 मिनट में अपनी बात समाप्त करना मुझे समझता हूँ। तो मुझे खुशी है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें कल लोगों ने जो है #3 साल राजस्थान खुशहाल टॉप पे चला पूरे देश के अंदर। उसी ढंग से कल जो ओपन VC के वक्त देखते लोग, फिर थोड़ा बाद में देखते क्योंकि रिकॉर्ड हो जाता है, कल 357,000 लोगों ने आपकी VC को देखा। और अभी करीब 1.5 लाख लोग देख रहे हैं, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है तो 1.5 लाख लोग इसको अलग से देख रहे हैं। इसका मायने कि लोगों में जो है ये जो कोरोना काल ने एक नई सीख दी है ब्यूरोक्रेसी को भी और अधिकारियों को, नेताओं को, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं। लाखों करोड़ रुपये बच गए। ये जो प्रोग्राम अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो अध्यक्ष जी, इतने प्रोग्राम करने जाए मंत्री लोग और सब लोग, उद्घाटन कितने जगह टेंट लगते हैं, कुर्सियाँ लगाई जाती है, माइक के प्रबंधन होते हैं, लाने के प्रबंध होते हैं, लोगों के लाखों रुपए खर्च होते हैं। और ये पूरे कोरोना काल के अंदर जो हमने काम किया, करीब 460 VC मैंने की होगी कोरोना के मैनेजमेंट में और अन्य कामों के मैनेजमेंट में, और लोगों महसूस नहीं हुआ कि मतलब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इस प्रकार से हमने उन सबको जोड़े रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि VC के माध्यम से भी, और जब जरूरत होगी तो कभी जाएंगे। अभी प्रसन्न गाँव के संग गए थे, बहुत अच्छा माहौल था गाँव के अंदर। तो लंबी बात करें तो कम है क्योंकि इतने काम हुए हैं, पर मैं कुछ 8-10 पॉइंट जो नवाचार हुए हैं, नवाचार हुए खाली उसको मैं पॉइंट करूँगा। उनके फायदे कितने मिलते हैं वो तो एक लंबी विषय हो जाएगी। जैसे पुलिस विभाग है, सरकार बनती हमने कहा FIR कंपल्सरी होगी थाने के अंदर लिखना, और वो नहीं लिखेगा तो वो SP के ऑफिस में दर्ज होगी FIR। डीजी साहब जानते हैं उसका क्या असर पड़ा, कोई 10-15 लोग आए होंगे मुश्किल से SP ऑफिस में, अब सब थानेदार समझ गए कि हवाले अनिवार्य लिखना ही बहुत बड़ी बात होती, लोग भगा देते थे थाने से गरीब आदमी को। जो
पीड़ित पक्ष होता उसकी बात सुनते नहीं थे, अब कम से कम रिकॉर्ड में आ गया मामला। फिर भी कुछ शिकायत आती है तो हम डीजी से बात करेंगे किस प्रकार से उनको दूर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट DYSP रैंक ऑफिसर लगाया पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में, फिर कर दिया एडिशनल SP रैंक, जो टोटली महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय उत्पन्न हो रहा तो उसकी देखभाल वो करेगा। एक लॉ ऑफिसर अलग लगाया क्योंकि जो कोई रेप की घटना होती है, कोई ऐसी घटना होती है और कोई कमी रह जाती है मान लीजिए कानूनी दृष्टि से भी, तो पुलिस के एक्सपर्टाइज नहीं होती है, एक लॉ ऑफिसर ऐसे केस के लिए संबंध किया गया। लॉ ऑफिसर एक प्रोसेस कर रखा है PSQ ने, उस पर केस दिया जाता है। इसलिए आप देखा होगा पिछले एक अरसे में कई लोगों को फांसी की सजाएं हुई है, कई लोग आजीवन कारावास हुए हैं और 15-20 दिन के अंदर ही केस निपट गए हैं। एक माहौल बना राजस्थान के अंदर, क्राइम तो राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर हो रहा है, परंतु अगर ये माहौल बन जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है राजस्थान के अंदर, तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो कदम उठाए हमने उसको लेके राजस्थान को बदनाम करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। कुछ मीडिया वाले बिना सोचे समझे लिख देते हैं, स्टेटमेंट छाप देते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि सच्चाई पे जाओ, सच्चाई है तो आप बड़ी से बड़ी आलोचना करो, मुझे खुशी होगी, क्योंकि इसके जो फायदे हुए हैं जो हमारे कदमों से, वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि 33% रेप के केस जो थे पहले, वो 156(3) में जो पहले कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट में आदेश लो और फिर जांच शुरू होती थी, कंपल्सरी करने से 33% से अब खाली 15% पे आ गए हम लोग। 15% केस खाली आने लग गए कोर्ट के द्वारा, पुलिस खुद तफ्तीश करती है, FIR लॉन्च करती है और कार्रवाई हो रही है। एक इतने आंकड़े कम क्यों हुए, क्योंकि अनिवार्य कर दिया गया। उसी ढंग से आप देखेंगे अनुसंधान जो है 214 दिन लगते थे पहले 2018 तक, और हमारे इन फैसलों के बाद में सिर्फ 73 दिन लग रहे हैं। कहाँ 274 दिन और कहाँ 73 दिन में तफ्तीश पूरी हो रही है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो NCRB की बात की जाती है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है भारत सरकार का, कि उसमें राजस्थान के आंकड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल ठीक है, आंकड़े ज़्यादा आएंगे। जिस दिन मैंने फैसला किया था कंपनी FIR का, उसी दिन मैं मीडिया को कहा था कि मुझे मालूम है कि इससे आंकड़े बढ़ेंगे जब आप अनिवार्य करोगे, बढ़ना स्वाभाविक है, परंतु उससे न्याय मिलेगा लोगों को। हमारी रुचि होनी चाहिए न्याय मिले, बजाय इसके कि आंकड़े बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरी इस बात को NCRB जिसका नेशनल क्राइम ब्यूरो की बात की जाती है, उसने खुद ने जो बुक क्लिक छिपाई जाती है उसके प्रथम पेज में लिखा है, जो मैं कोट कर रहा हूं आपको, विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों और प्रक्रियाओं, प्रक्रिया का मतलब जो हमने प्रक्रिया अडॉप्ट करी नई तरह की, के कारण राज्यों के बीच आपस के अंदर केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना नहीं की करनी चाहिए। ये खुद कह रहा है कि खाली राज्यों के बीच में आंकड़ों के आधार पर तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ की नीति अलग है, राज्यों की अलग अलग, प्रक्रिया अलग है, वो सोचना पड़ेगा आपको। अपना आगे लिखते हैं वो, अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। अब बताइए आप, वो खुद ही लिख रहा है शुरू में कि भाई जो हमने छापे हैं आंकड़े का अलग मामला है, अपराध में वृद्धि का अलग मामला है, अपराध पंजीकरण कितने होते उसमें अंतर होता है, और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं, और हमारे यहाँ एक गलती मीडिया वाले भी कर रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ। दो 2019 के अंदर महिला अपराधों की 45.88%, 2020 के अंदर 45.23% और 2021 में
47.56% FIR झूठी पाई गई राजस्थान के अंदर, और भारत के कुल झूठे आंकड़े जो हैं, भारत के कुल झूठे मुकदमों में 37% सिर्फ राजस्थान राज्य के हैं। ये भी चिंता का विषय है, इस प्रकार के झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं, और कई बार ये जो आंकड़े हैं वो चंदा लगा सकते हो कि झूठी FIR कितनी की जा रही है, ये हमें देखने की बात है। तो ये तो मैंने कहा आपको एक नवाचार की बात करी मैंने, दूसरा नवाचार इसी में किया हमने स्वागत कर सका। थानों के अंदर माहौल ऐसा होता है जहाँ लोग डरते हैं, कई बार तो स्वाभिमान लोग जाते नहीं है, बेइज्जती होगी वहां पर, क्योंकि तूताम बात होती है थाने के अंदर, अपन जानते हैं तो तड़ाके की बात होती है। हमने स्वागत कक्ष का निर्माण किया और 91 थानों में स्वागत कक्ष बन चुके हैं, जो भी आपने शायद देखा होगा। स्वागत कक्ष का बनना ही एक मैसेज है थानेदार साहब के लिए भी, पुलिस वालों के लिए भी, कि आने वाले से हमें तमीज से बात करनी है, ढंग से बात करनी है, अच्छा व्यवहार करना है। आप निष्पक्ष जांच करो अलग बात है, दोषी सजा दो, पर एक मानव के साथ में दूसरा मानव अगर व्यवहार ढंग से नहीं करे, बदतमीजी करे, ये किसी को शोभा नहीं देता है, और ये कल्चर कहता ही नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर भी ये सिस्टम है कि आप चाहे कितनी बड़ा अपराधी माना जाता हो, जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हो, सजा नहीं मिले, आप मान सम्मान करो, इंसान के साथ में करो, ये मानव अधिकार की रक्षा करने की बात भी सुनाती है। तो एक बात तो मुझे कहनी थी आपको, उड़ान जो है ये टॉप प्रायोरिटी मानी चाहिए। राजस्थान देश में पहला राज्य बनना चाहिए जहां पर हम देख चाहते हैं हमारी महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं कि स्कीम लाते हैं, स्कॉलरशिप लाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है जिसका अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, इसके गहरे में जाना चाहिए हर इंसान को। वो जमाना गया, कोई जमाने में संकोच में कोई बात करते नहीं थे, विदेशों में तो स्कूल में पढ़ाई करी की जाती इसकी बचपन से बच्चों को भी। तो आप सोच सकते हो कि मेरे पूर्व वक्ता के बारे में ममता भूपेश और सब कह चुके हैं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर ये हमारे लिए 200 करोड़ रखे अभी हमने इसके लिए, 5 करोड़ देंगे NGO को जो इस काम में आगे आएंगे, चाहे वो लोगों मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो जो सैनिटरी पैड बनाएंगे, मशीन लगेगी उन मशीनों में, अच्छी क्वालिटी रखेगा, क्योंकि क्वालिटी का मामला सब कुछ है इसके अंदर, उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस प्रकार हम चाहेंगे कि 5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ममता ने कहा कि इस स्कीम के लिए हम धन की कमी नहीं आने देंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। ये भी नवाचार राजस्थान के लिए। एक ओलंपिक ग्रामीण खेल कूद शुरू हो रहा है, पढ़ा होगा अखबार में आपने, करीब 26 लाख लोगों तो मेरे ख्याल से उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया, बच्चों ने नहीं बूढ़ों ने भी, क्योंकि इसमें जो एज रखी गई है वो एज रखी गई है आपकी मेरे ख्याल 7-8-10 साल लगा करके 50-60 चांदना जी बैठे हुए नहीं यहाँ पर, 50-60 यानी 70 साल तक की उम्र रखी हुई है, मतलब बूढ़े लोग भी खेल सकते हैं, पोते देख सकते हैं उसको, सब तरह गेम होंगे, कबड्डी लगा करके सभी गेम होंगे उसके अंदर होंगे। तो जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए नारायण जी वगैरह जितने बैठे हुए वो भी समझ लें कि गांव गांव में हमें इसका प्रचार करना है। 26 लाख अभी हुए हैं और बढ़ सकती है संख्या, तो ओलंपिक ग्रामीण खेल 50 करोड़ रुपये खर्च करेंगे हम लोग, करीब 50 करोड़ खर्च होंगे, पर वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे धीरे धीरे माहौल बनने लग गया। अब हमें कल एक बच्ची आई थी, 3 करोड़ रुपये हमने उसको दिए, अभी पैरा ओलंपिक के अंदर उसको दिए, अवनी को अलग दिया, कल वो आई थी वो दूसरी और कुछ नागर कोई था, तो सबको दे रहे हम लोग, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ दे रहे हैं, 2-2 करोड़ दे रहे हैं, और साथ में DYSP रैंक की नौकरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंजर की नौकरी लगा रहे हैं, अच्छी पद पे नौकरी लगा रहे हैं उनकी। तो माहौल रास्ता में बनने लगा, हरियाणा माहौल बना था पहले, हमें सीधा करना चाहिए, यहाँ बनने लगा है, इसको और बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। तो ग्रामीण स्तर पर ये ओलंपिक गेम शुरू हो रहे हैं, ग्रामीण ओलंपिक गेम नाम दिया है। अशोक चांदना जी ने पिछले साल किया था स्टेट लेवल का
स्पोर्ट्स मीट की थी, वो पहली बार हुई देश के अंदर, तो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्पोर्ट्स मीट करी है। मैं खुद गया प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोग्राम था। पेंशन देने में 90 लाख लोगों को, ये भी इसमें तमाम इफेक्ट बट हटा दिए, तब जाके मिलने लगी लोगों को, पहले मिलती नहीं थी। अगर मिल भी रही है माँ बाप को, बच्चा 18 साल होते ही बंद हो जाती थी, वो तमाम शर्तें हटा दी गई। आज वो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत इम्पेक्ट है। कोरोना का मामला जो है, इसमें बहुत बातें की जा चुकी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी भी जो खबर आ रही है अखबारों में, टीवी में, वो चेता रही है हम सबको कि 100 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं ओमिक्रॉन के देश के अंदर। दिसंबर 2 को 2 आए थे, इतने कम दिनों में अगर 100 ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसकी गति बहुत तेज है बढ़ने की। तो आज भी सावचेत रहने की आवश्यकता है, बार बार वैक्सीन लगाने की बात है, बहुत आवश्यक है। वैक्सीन के बावजूद भी आता है, पर फिर भी नुकसान नहीं कर सकते ज़्यादा। अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर भी मैं कई बार देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो अमेरिका में, जर्मनी में जो विचारधारा लोगों की है, नेताओं की, और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उनकी पार्टी विचारधारा है कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, तो लोग विरोध कर रहे वैक्सीन का, जर्मनी में भी और कई और मुल्कों में भी, अमेरिका में करते ही हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े विकसित राष्ट्र, दुनिया की सुपर पावर, वहाँ बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, हो रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, वैक्सीन का विरोध हो रहा है, और कई मुल्क वैक्सीन को कंपल्सरी कर रहे हैं, दंड लगा रहे लोगों पर, लगा नहीं लगाएंगे, एंट्री बंद कर रहे हैं उनकी दुकानों पे, मॉल पे, सब जगह। तो पूरे देश में बहस चलती रही है। मैं चाहूँगा उड़ान जो है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपको, ये ऐसे काम है जिसे कोरोना के अंदर हमने कहा था तमाम पॉलिटिक पार्टी लोगों को, सब मिलकर इस काम को करो, राजनीति हटकर करो। धर्म गुरुओं को हमने आह्वान किया, एनजीओ का आह्वान किया, आम लोगों का आह्वान किया, मुझे खुशी है कि सब लोगों ने धर्म को निभाया, सबने अच्छा काम किया। उसी पर उड़ान जो योजना है, इसको मैं समझ रहा हूँ कि कोविड की तरह ही हमें तमाम पॉलिटिक पार्टीज को, तमाम धर्म गुरुओं को, तमाम एनजीओ को, और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आम जनता को आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये काम कामयाब होगा, ये मैं अपील करना चाहूँगा। मेडिसिन के बारे में कुछ कहा गया, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मंत्री जी ने कह दिया, मीणा जी ने, प्रसादला जी ने, शानदार योजना है चिरंजीवी की। अभी हमने हाल ही में इसके लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति जो ऐड करवाएगा नाम, उसको मिलेंगे। अब बताइए नौबत क्यों आ रही है, 5 लाख का बीमा कैशलेस मिल रहा है लोगों को, 5 लाख किसे कहते हैं एक परिवार में, तब भी कई लोगों ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो लापरवाही समझ लो या उन तक बात नहीं पहुंच रही है, लोग समझा नहीं पा रहे उनको, बहुत दुखद बात है। 5 लाख का बीमा, और जो पैसे वाले हैं, इनकम टैक्स वाले, उनसे 850 रुपये ले रहे खाली, उसके आधा हम भर रहे हैं प्रीमियम, 850 क्या होता है। तो इसके लिए मैं अभियान चलाना पड़ रहा, 37 करोड़ रुपये सेंक्शन किए मैंने सिर्फ इस काम के लिए, तुम नाम ऐड करवाओ और 100 रुपये प्रति व्यक्ति ले जाओ। तो कहने का मतलब कि सरकार जबरदस्ती किस प्रकार से लोगों का भला हो, कि जब तकलीफ घर में आए तो 1 लाख रुपये का बिल बनेगा, 50 हज़ार का बनेगा, उसे तकलीफ पाएंगे, अभी इस स्कीम में जुड़ जाओ। इतनी शानदार स्कीम है कि जो भर्ती हुई आदमी होता है, ये खाली उनके लिए, इंडोर पेशेंट के लिए, आउटडोर के लिए पहले से हमने फ्री मेडिसिन कर रखी है, इंडोर पेशेंट के लिए भर्ती होने के 5 दिन पहले और ठीक होने के जाने के 15 दिन बाद तक का खर्चा भी उस स्कीम में शामिल है, वो भी सरकार दे रही है चेंजिंग योजना के अंदर। इसको आप लोगों को जो सुन रहे हैं वीसी को, मैं अपील करना चाहूँगा कि चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो कोरोना के ऊपर हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं, और चाहे वो कोई योजना हो, उसमें आपकी भागीदारी चाहिए। इंग्लिश स्कूल का बता दिया आपको, बड़े क्रांतिकारी प्रोग्राम दिया हमारे
शिक्षा मंत्री थे दुर्दशा सिंह, उस वक्त में शुरू हुई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम चाहेंगे फैकल्टी अच्छी बने इसके लिए, अच्छी। अगर मास्टर नहीं होंगे इंग्लिश पढ़ाने वाले, खुद नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश, वो मान लीजिए तो बच्चा क्या सीखेगा। ये स्कीम वो है जब इंग्लिश स्कूलें होती प्राइवेट, वो वहाँ टीचर ऐसे होने चाहिए जिससे कि अच्छी इंग्लिश सिखा सके बच्चों को, बोलना भी और लिखना भी और पढ़ना भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और टीचर के ऊपर भी। और स्कूलें कितनी खुलेगी, जितने ज़्यादा फैकल्टी मिलेगी उतनी ज़्यादा स्कूल खुलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। दो सौ बच्चों को हम भेज रहे हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ाने के लिए, लाखों करोड़ रुपये खर्च होंगे कि आतांगे बच्चों को भी, जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं तो बच्चे बाहर पढ़ते ही, उनके तो कोई नई बात नहीं है, पर जो बच्चे गरीब है मिडिल क्लास के हैं उनको भी लाभ मिले। मैं समझता हूँ कि इस तरफ तो ध्यान देने की बात है। इस प्रकार से दो बातें कह, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक तो जो मेडिकल में है, इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर, वो जो है कम हो रही राजस्थान के अंदर, पहले 81 थी अब 37 हो गई है, तभी और ज़्यादा कम करने का सकता है, जीरो पे लाए इसको। और मातृ मृत्यु दर MMR 508 से पहले 164 पे आ गए, हम चाहेंगे वो भी कम हो, कम से कम शून्य पे आए। एक भी माँ क्यों मरे डिलीवरी के वक्त में, एक बच्चा नवजात शिशु क्यों मरे, ये हमारा सोच होना चाहिए। उसमें हम लोग पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ICU निकू पिकू ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन तो प्लांट लगी गए राजस्थान के अंदर, काफ़ी कुछ काम हो रहा है। अंत में कहना चाहूँगा कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, उस पर जोर देना, बाकी तो सड़क भी है, पानी बिजली सब आवश्यक है, सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है। परंतु जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में तबाह हो गया था, जर्मनी भी, जापान भी, साउथ कोरिया भी, ब्रिटेन भी, वो अगर खड़े हो गए तो इसलिए हो पाए कि ब्रिटेन ने उस वक्त में एजुकेशन का बजट कम नहीं किया था, और बाकी मुल्कों ने भी शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान ज़्यादा रखा। तो बाद में धीरे धीरे कई साल लगे उनको, पर वो खड़े हो गए, पैरों पर खड़े हो गए। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि मानव संसाधन बनता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो जिंदगी में एक मानव सब कुछ कर सकता है। पहला सुख निरोगी काया। मैं चाहूँगा कि हम शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे पूरा जोर दें, और बाकी इसकी हमारी चल रही है, दो तीन साल पूरे हुए हैं, दो साल और आगे हमारे सामने हैं चुनौती के रूप में। हम चाहेंगे कि किस प्रकार हम लोग प्रदेश के चौमुखी विकास हो, प्रदेशवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, अच्छा अच्छी क्वालिटी लाइफ हो उनकी, और प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, इंडस्ट्रियाँ आए, इन्वेस्टमेंट आए। कल से मैं देख रहा हूँ कि अनिल अग्रवाल जी, जो केन एनर्जी जिनका बाढ़ में तेल निकल रहा है, जिंक हिंदुस्तान जिंक उनका है, वो आए। एलन मित्तल आए आज सुबह, उन्होंने कहा ये गाड़ी जो बाहर खड़ी है, ये गाड़ी बहुत शानदार है, इसमें चार तरह के फायदे होंगे आपको, अभी मुझे लिख के दिया। उसमें हम चाहेंगे कि इस गाड़ी का, आपको मालूम है कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर, अगर समय पर जांच हो जाए तो कैंसर नहीं बढ़ता है, ठीक हो जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर सिस्टम नहीं होता है तो कैंसर बढ़ जाता है, बाद में ज़्यादा तकलीफ आती है। तो ये मेमोग्राफी की मशीन इसमें लगी हुई है, कोलोनोस्कोपी की मशीन लगी हुई है, जिसमें कि यूट्रस का कैंसर हो जाता है तो वो मालूम पड़ सकता है बच्चेदानी के अंदर। एंडोस्कोपी, जो जर्दा वर्दा खाते हैं ये लोग, तो मुंह में, गले में, सिर में कैंसर होता है वो मालूम पड़ सकता है। और डिजिटल एक्सरे मशीन है, लंग्स कैंसर के बारे में मालूम पड़ सकता है। बहुत शानदार ये गाड़ी बनी है, और ये
मीना साहब बैठे हमारे, इनके उत्पादन निगम की तरफ से गाड़ी मिली है ये, जब ये सेक्रेटरी थे उस वक्त इनकी सोर्स थी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी गाड़ी यार अनिल मित्तल साहब ने घोषणा की, हम भी ये गाड़ी ऐसी दे देंगे। तो इस प्रकार से जो माहौल बन रहा है कि 24-25 जनवरी को इन्वेस्टमेंट राजस्थान की मीट हो रही है, कि इंडस्ट्रीज आएंगे, MOU साइन हो रहे हैं अभी से ही, कि हमारे मंत्री जी सुखदा रावत जी के साथ जा रहे हैं, कि अधिकारी जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि कई बॉम्बई और बेंगलोर सब जगह जाके आए हैं, गुजरात में भी अच्छा नसमन मिल रहा है, पूरे देश भर के लोग आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में, क्योंकि सहकारी नौकरी 1,00,000 तो लगा चुके हम लोग, 80,000 करीब प्रोसेस के अंदर है, तो कितनी भी लगाओ, क्योंकि इतनी बड़ी बेरोजगारी होती है कि सबको नौकरी देना संभव नहीं होता। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगेगी नहीं, तब तक हम कभी भी बेरोजगारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, और वो नाम ही नहीं लेते उस बात का। नाम कैसे ले, लग नहीं सकती, काला धन भी वापस नहीं है बाहर से, कोई बात होती नहीं। स्विस बैंकों की बात कभी होती है जहाँ 7 साल में नहीं हो रही, पहले होती थी, अब क्यों नहीं होती है? 14 जो वादे किए थे मोदी जी ने, लंबे चौड़े, अगर वो स्पीच सुन लो आप, अगर टीवी में वहाँ पर देख लो उस स्पीच को, तो आज की वर्तमान NDA गवर्नमेंट बारे में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कुछ, अपना आप भी लोग समझ जाएंगे। ये हालात है, इतना बड़ा कत्ते में कहीं अंतर है, पर हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करना आसान होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग लग जाए तो बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वही बात लागू होती है, धर्म के नाम पर राजनीति कर लो आसान काम है, जाति के नाम पर गांव में आप देखो जातिवाद, गांव में, कस्बों में, जिलों में, प्रदेश में कितना बड़ा होता है। पर ये ना जातिवाद और ना धार्मिकता की कट्टरता, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने भी कहा जब बांग्लादेश का विजय दिवस हुआ 4-5 दिन पहले, तो मैंने कहा था उस दिन मीटिंग में कि पाकिस्तान बना था मुस्लिम धर्म के नाम पे बना था, एक धर्म के लोग थे पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, एक धर्म के लोग थे, एक जगह बंगला बोली जाती थी पूरी पाकिस्तान में, एक जगह उर्दू बोली जाती है, 2 टुकड़े हो गए, बताइए आप, 2 टुकड़े हो गए एक मुल्क के, जो हमारे आज़ादी के बाद में, आज़ादी के वक्त में टुकड़े हुए, हिंदुस्तान का अलग टुकड़ा कर दिया धर्म के नाम पर लड़के, वो एक नहीं रह पाए, 2 टुकड़े हो गए। हिंदू राष्ट्र के बात करने वाले मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी हिंदू राष्ट्र की बात आप करोगे, सबको कहाँ निकालोगे? सब धर्म के लोगों को निकाल सकते हो, अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ तो, वो तो 2 भाषाएं थी, और यहाँ तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कितनी भाषाएं हैं, क्या आप इन सब भाषा वालों को कह पाओगे? तो आपको एक रखना है, 40 साल पहले तमिलनाडु दवा उठी थी, हम अलग होना चाहते देश से, 40 साल पहले हमारे बचपन के अंदर, किसकी बात ये करते हैं? इसलिए मैंने कहा भड़काना आसान है, सत्ता में आ गए धर्म के नाम पर, परंतु नीतियां जो महात्मा गांधी की दी हुई है, डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, सरदार पटेल के वक्त में, मौलाना अबू कलाम आजाद के वक्त में, वही नीतियाँ, वही संविधान इस देश को एक बार अखंड रखे हुए हैं। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक बार अखंड रखा है, ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को। सरदार बहन सिंह जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री, नेस्ताबूत कर दिया उन्होंने आतंकवाद को वहाँ पर, उन्हीं आतंकवादियों ने उनको मुख्यमंत्री रहते हुए उड़ा दिया पोर्च के अंदर ही, नीचे उतरते ही। हम भूले नहीं, सब बातें हमारे जैन में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज भी जो हमारा संविधान सब कुछ कहता है, हम शपथ लेते हैं संविधान की, गवर्नर साहब हमारे संविधान की शपथ पढ़वाते हैं वापस, शपथ क्या पढ़वाते, पूरे कर्तव्य क्या आपका, उसकी मूल भावना क्या पढ़ाते हैं। अगर कोई ईमानदारी से सोचे तो, चाहे वो MLA है, MP है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप ईमानदारी सोचो
और संविधान की शपथ लेते हो उस पर चलो तो अधिकांश झगड़े स्वतः खत्म हो सकते हैं। प्रेम भाईचारे मोहब्बत से हम लोग रह सकते हैं। आज माहौल तनाव का है, देश के अंदर स्वादपूर्ण नहीं है, लोग चिंतित है, तो ये चिंता समाप्त होनी चाहिए देश से और माहौल संविधान के अनुकूल होना चाहिए। और संविधान खतरे में ऐसा लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में ऐसा लग रहा है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार